नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं बात करूंगा इंडिया के सेकंड लार्जेस्ट बैंकिंग के बारे में, और वो भी प्राइवेट बैंकिंग के बारे में। देखिए, इंडिया में जितने सारे प्राइवेट बैंक है, मतलब जितने सारे प्राइवेट बहुत सारे प्राइवेट बैंक है अभी तक स्टॉक मार्केट में लिस्टिंग नहीं है, और जितने सारे लीडर्स बैंक है जो स्टॉक मार्केट में लिस्टिंग है, तो आज उसी से एक कंपनी के बारे में बात करूंगा जिसका नाम आप पहले देख चुके हैं, ICICI बैंक। तो ICICI बैंक के बारे में आज बात करूंगा, क्योंकि इस बैंक के बारे में बहुत बार चर्चा में कर चुका हूँ। आज मैं इसके ऊपर कुछ इन्फॉर्मेशन दिखाऊंगा और टेक्निकल चार्ट पैटर्न दिखाऊंगा, क्योंकि बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट किया, सर एक लेवल तो ब्रेक हुआ है क्या, अभी स्टॉक आगे मतलब आगे जो हाई लेवल था उस लेवल को तोड़ पाएंगे? तो इस तरीके से बहुत सारे कमेंट्स आ चुके हैं, तो उस कमेंट्स का मैं यहाँ पे आंसर देने वाला हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, और अभी तक अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो देर किस बात की, जाकर फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको बहुत सारे इन्फॉर्मेशन इस चैनल के माध्यम से मिलता रहेंगे। तो ICICI बैंक के बारे में आज बात करूंगा, क्योंकि इंडिया के जो सेकेंड लार्जेस्ट प्राइवेट बैंक है, तो सेकेंड लार्जेस्ट जो प्राइवेट बैंक आप देखेंगे, तो इसके बारे में आज बात करूंगा, चर्चा करूंगा। तो चलो एक एक करके पूरा डिटेल्स में दिखा देता हूँ। सबसे पहले मैं टेक्निकल चार्ट पैटर्न के ऊपर आपको लेके जाना चाहूंगा। तो देखिए, मैं टेक्निकल चार्ट पैटर्न के ऊपर एक ट्रेंड ड्रॉ करके रखा, उस ट्रेंड को आपको समझना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए, कंपनी के अभी मतलब एक चार्ट पैटर्न में यहाँ पे आपको ड्रॉ करके रखा हूँ। देखिए, स्टॉक जब लॉकडाउन के सिचुएशन आया था, तब इसका प्राइस रेंज अराउंड अराउंड 600 के आसपास था। 600 से गिर कर कंपनी का प्राइस चले आए थे अराउंड अराउंड 300 के आसपास। तो मतलब जो लोग इस हाई लेवल में बाई करके रखे थे, उसका 50% लॉसेस चल रहा था। तो इस लॉसेस को लेकर जितने सारे दोस्तों ने शेयर से निकल गए होंगे, तो उसका तो लॉस तो 50% हो ही गया है, मगर जो लोग मतलब टिके हुए थे, उसको फंड अराउंड अराउंड 50% नहीं, देखा जाए तो 20-25% तक फिर से रिकवरी हुआ और प्रॉफिट भी दिया। कि उसका हाई कितना हुआ था? हाई हुआ था अराउंड अराउंड 850 के आसपास। ये जो लेवल है, ये 850 लेवल के आसपास। तो यहाँ पे देखिए, मैं ट्रेंड एक ड्रॉ करके रखा है, ट्रेंड को आपको मतलब समझना पड़ेगा। देखिए, यहाँ पे जो पैटर्न बन रहा है, तो यहाँ पे एक पैटर्न ड्रॉ करके रखा हो। देखिए, कंपनी मतलब स्टॉक एक बार मतलब गिरावट हुआ, उसके बाद फिर से बाउंस किया, फिर से गिरावट, फिर से बाउंस, फिर से गिरावट, फिर से बाउंस, फिर से गिरावट, और ये लेवल को कंपनी यहाँ पे स्टॉक ने क्या किया, तोड़ा। तो यहाँ पे बहुत बार देखिए, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस, यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, और यहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस लिया, मगर वो रेजिस्टेंस को तोड़ा। और तोड़ने के बाद देखिए, अच्छा खासा वॉल्यूम भी, छोटा छोटा करके वॉल्यूम भी यहाँ पे हो रहा है। तो मेरे हिसाब से ये स्टॉक फिर से इस लेवल तक जा पाएंगे। तो ये जो लेवल कौन सा है, 880 के आसपास इसका लेवल है। तो इस लेवल तक जाने का कोशिश जरूर करेंगे। अगर इस लेवल को तोड़ते हैं, तो एक नया हाई और नया अचीवमेंट देखने को मिलेगा। और एक चीज देखेंगे तो यहाँ पे देखिए, 200 डेज, जो 200 डेज EMA है, तो ये 200 डेज जो EMA है, तो इस लेवल के ऊपर ही कंपनी ट्रेड कर रहा है। एक अच्छी बात होता है जब कोई ये जो 200 डे का EMA का ऊपर कब जब ट्रेड करते हैं, तो एक पॉजिटिविटी होते हैं वो स्टॉक आगे जाने के लिए। अगर इसके नीचे ट्रेड करता, तो थोड़ा सा गिरावट होने का चांसेस जरूर देखने को मिलता। तो मेरे हिसाब से स्ट्रॉन्ग यहाँ पे अप ट्रेंड है, तो स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड के हिसाब से आपको इस कंपनी के ऊपर ऑब्वियसली टिके रहना चाहिए। और जितने सारे नया निवेशक निवेश करना चाहते हैं, तो एक बार रिसर्च करके निवेश करने के लिए जरूर सोच सकते हैं, क्योंकि कंपनी का परफॉर्मेंस जो है वो तगड़ा है। कितना परफॉर्मेंस अच्छे है, चलो इस बार मैं आपको रिजल्ट से ही आपको दिखा देता हूँ कि कंपनी में कितना दम है। तो यहाँ पे रिजल्ट के ऊपर आ चुका हूँ, तो रिजल्ट से आपको पता चलेगा कि एक्चुअली कंपनी में कितना किस तरीके से काम हो रहा है और किस तरीके से कंपनी खुद को ग्रोथ कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए, टोटल इनकम के बारे में बात करूँ, तो करीबन करीबन 28,000 करोड़ में ओवरऑल आपको बात यहाँ पे बात कर रहा हूँ, आप छोटा मोटा फिगर को देख लेना। तो 27,400 पिछले बार था, और पिछले साल में तक 24,300। इसका मतलब पिछले सालों से कंपनी का जो इनकम का ग्रोथ, वो बहुत शानदार यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिला। डायरेक्ट 24 से 28 बन चुके हैं, तो अराउंड अराउंड 4,000 करोड़ कंपनी एक्स्ट्रा इनकम किया। जो पिछले बार कितना था, 27 करोड़ था, अभी कंपनी का 28 करोड़ हो चुके हैं, अराउंड अराउंड 1,000 करोड़ के आसपास कंपनी ने ग्रोथ किया। तो इनकम का तो शानदार ग्रोथ हुआ, अभी देखना है कंपनी के एक्सपेंस क्या कम हुआ क्या ज़्यादा हुआ। देखिए, कंपनी के एक्सपेंस के बारे में बात करूँ, तो कंपनी के एक्सपेंस टोटल एक्सपेंडिचर के बारे में बात करूँ, तो 18,000,
पिछले बार था 17,000, पिछले साल में था 15,000। तो कंपनी उसी तरीके से एक्सपेंस किया जिस तरीके से कंपनी का इनकम हुआ। इनकम के हिसाब से कंपनी हर बार एक्सपेंस को कंट्रोल करते हैं। तो एक्सपेंस को कंट्रोल करने के बाद कंपनी का हाथ में जो प्रॉफिट आया, वो देखने से पहले मैं आपको कंपनी का प्रोविजनिंग दिखा देता हूँ। तो प्रोविजनिंग कोई भी कंपनी के लिए, कोई भी बैंकिंग कंपनी के लिए बहुत इंपॉर्टेंस होता है, क्योंकि प्रोविजनिंग बता देते हैं कि एक्चुअली कंपनी के ऊपर क्या होने वाला है। तो प्रोविजनिंग के बारे में बात करते तो 1100 जो पिछले बार था 1068, पिछले साल में था 2850। इसका मतलब जो प्रोविजनिंग है वो यहाँ पे कंट्रोल हुआ है, मतलब कंट्रोल होकर रखा है, तो एक अच्छी बात है। तो बहुत शानदार यहाँ पे कंपनी ने कंट्रोल करके रखे हैं प्रोविजनिंग को। तो अभी कंपनी का टैक्सेस पे करने का बारी, तो टैक्सेस पे करंट जो टैक्सेस है उसको पे करने के बाद कंपनी के हाथ में जो आया प्रॉफिट, तो प्रॉफिट फॉर द पीरियड अब देखेंगे तो कंपनी अराउंड अराउंड 6900, जो पिछले बार था 7000 और पिछले साल में था 4600। मतलब पिछले सालों की तुलना से देखा जाए तो कंपनी बहुत अच्छा खासा काम किया। अराउंड अराउंड 2300 करोड़ के आसपास कंपनी ने प्रॉफिट ज़्यादा किया। 2300 करोड़ कोई छोटा मोटा अमाउंट नहीं होते हैं। ईयर ऑफ ईयर बेसिस शानदार जाम हुआ। हाँ, क्वार्टर क्वार्टर बेसिस थोड़ा सा प्रॉफिट यहाँ पे कम देखने को मिला है, फिर भी छोटा मोटा करेक्शन है, अराउंड अराउंड 100 करोड़ भी नहीं है, तो इतना छोटा यहाँ पे कंपनी का इनकम कम हुआ। तो इसी इसी कारण स्टॉक में पिछले दिनों में अच्छा खासा रैली आपको देखने को मिला था, एक गैपा में ओपन हुआ था, उसके बाद हाँ मार्केट में थोड़ा सा रिकवरी देखने को मिला, तो इसलिए स्टॉक में भी रिकवरी देखने को मिला है। तो यहाँ पे देखिए कंपनी का नेट प्रॉफिट, मतलब सॉरी एनपीए के बारे में बात करूँ, जो सबसे इम्पोर्टेंस है एनपीए को आपको ऑब्वियसली देखना चाहिए, क्योंकि एनपीए ही आपको बता देता है कि कंपनी अभी मार्केट से कितना पैसा वो उठा पा रहा है। और उस पैसे से देखिए यहाँ पे परसेंटेज बेसिस आप देखेंगे तो यहाँ पे देखिए नेट यहाँ पे देखिए नॉन परफॉर्मिंग एसेट, जो नॉन फॉर्म नॉन कर मतलब परफॉर्मिंग कस्टमर जो एसेट होते हैं, तो वो कस्टमर का एसेट मतलब जो लोन दे के रखे थे उस लोन से कितने पैसे मार्केट में अभी पड़े हुए हैं। देखिए आईसीआईसीआई बैंक में देखिए कितना शानदार काम किया, 0.70। मैं आपको बहुत बार बोल चुका हूँ 1% के नीचे होना चाहिए। और देखिए एचडीएफसी बैंक और कोटक बैंक का आप देखेंगे तो अराउंड 0.56 समथिंग, 0.60 समथिंग आपको देखने को मिलेगा। इसका भी देखिए अच्छा खासा परफॉर्मेंस यहाँ पे हो रहा है, 0.70% का यहाँ पे मार्केट में पैसा पड़ा हुआ है। तो पिछले बार कितना था 0.76 और पिछले साल में था 1.16, तो इसका मतलब अच्छा खासा यहाँ पे मेंटेन किया इस बार। तो यही एक कारण है कंपनी को आगे ले जाने के लिए। कंपनी सेगमेंट वाइज अब बात करें तो सेगमेंट वाइज कंपनी का डेटा देखेंगे तो देखिए कंपनी रिटेल बैंकिंग यहाँ पे होलसेल बैंकिंग, तो सबसे ज़्यादा आपको जो पॉइंट्स आपको देखना चाहिए वो है रिटेल बैंकिंग। रिटेल बैंकिंग बहुत इंपॉर्टेंस होते हैं, क्योंकि मैं बहुत बार आपको बोल चुका हूँ बैंकिंग का जो मेन पार्ट होता है वो है कासा रेशियो। कासा रेशियो क्या है, मैं बहुत बार आपको बोल चुका हूँ करेंट अकाउंट एंड सेविंग्स अकाउंट, इस दोनों अकाउंट से ही बैंकिंग को पैसा मिलता है, मतलब दोनों अकाउंट से के माध्यम से ही बैंकिंग को सबसे ज़्यादा पैसा मिलता है। तो इस पैसे को लेकर वो दूसरों को लोन देते हैं और वहाँ से बैंकिंग चलते हैं। तो कासा रेशियो में टोटल देखा जाए तो रिटेल बैंकिंग से कंपनी ने किस तरीके से इनकम कर रहा है, मतलब किस तरीके से पैसा बैंकिंग में आ रहा है वो देखना चाहिए। इस बार कितना आया, 23,388 करोड़, जो पिछले बार था 22,200 करोड़, पिछले साल में था 19,700 करोड़। यहाँ से एक पता चल जाता है कि हाँ कंपनी में दम तो है, क्योंकि कंपनी खुद का रिटेल का जो बिजनेस है उसमें अच्छा खासा पैसा यहाँ पे ग्रोथ कर रहा है। तो 23,300 करोड़ का आसपास यहाँ पे कंपनी ने ग्रोथ किया, एक अच्छी बात है, एक पॉजिटिव बात है, मैं जरूर कहूँगा। तो यहाँ पे देखा जाए तो कंपनी अच्छा खासा परफॉर्मेंस किया है, तो क्या फ्यूचर के लिए इस कंपनी में ग्रोथ जो रहेगा, तो फ्यूचर का ग्रोथ दिखाने से पहले कंपनी का एक न्यूज मैं आपको दिखा देता हूँ। कंपनी रिजल्ट होने के बाद डिविडेंड भी अनाउंसमेंट कर चुके हैं, कंपनी आपको डिविडेंड देने वाला है। आप देखेंगे तो दो आपको यहाँ पे एक्चुअली मतलब पहले एक बार डिविडेंड दे चुके हैं, इस बार कंपनी फिर से एक बार डिविडेंड देने वाला है। तो कंपनी का डिविडेंड जो अनाउंसमेंट डेट है मैं यहाँ पे लिखना चाहता हूँ 8 अगस्त 2022। तो 8 अगस्त 2022 से एक दिन पहले आप अगर शेयर खरीदारी कर लेते हैं तो आपको 5 रुपये का डिविडेंड मिलेगा, पर शेयर में 5 रुपये का यहाँ पे आपको डिविडेंड मिलने वाला है। तो अच्छी बात है, कंपनी के ऊपर आपको भरोसा ऑब्वियसली करना होगा। कंपनी इंडिया के सेकेंड लार्जेस्ट कंपनी है, साथ ही साथ कंपनी का हर पैरामीटर और परफॉर्मेंस आपको शानदार दिखेगा। तो कंपनी का सिर्फ दो ही चीज़ मैं आपको दिखाऊंगा, वो है कंपनी का सेल्स ग्रोथ और कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ। सेल्स ग्रोथ थोड़ा सा डाउन है, मगर प्रॉफिट ग्रोथ अच्छा खासा देखने को मिला है। तो और साथ ही साथ कंपनी का क्वार्टर बेसिस और रिजल्ट सॉरी परफॉर्मेंस आप देखेंगे ईयर ऑफ ईयर बेसिस, तो कंटिन्यूसली कंपनी प्रॉफिट मेंटेन कर रहा है।
सिर्फ 2019 में कंपनी का प्रॉफिट और 2020 में, इस दोनों साल में कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन थोड़ा सा कम हो गया था। अभी देखने हैं कंपनी के कैश फ्लो में पैसा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो देखिए कंपनी के कैश फ्लो में कंटिन्यूसली प्रॉफिट आ रहा है, पैसा आ रहा है। 2015 में नेगेटिव था, 11-12 में नेगेटिव था, बाकी साल आप देखेंगे तो कंपनी कंटिन्यूसली प्रॉफिट को मेंटेन कर रहे हैं और कैश भी कंपनी के हाथ में आ रहा है। इन्वेस्टर के बारे में बात करूँ तो ऑब्वियसली एफआई सबसे ज़्यादा माल उठा कर रखा, सॉरी डीएस ने सबसे ज़्यादा माल उठा कर रखा, और उसके बाद एफआई भी अच्छा खासा माल उठा कर रखा, और उसके बाद पब्लिक के पास छोटा मोटा अमाउंट है। तो ओवरऑल बात करूँ इस कंपनी के बारे में, इस कंपनी से आपको अच्छा खासा प्रॉफिट भी मिलेगा और अच्छा खासा रिटर्न भी कंपनी जबरदस्त दे रहा है, अराउंड 17-21% तक रिटर्न। मैं आपको बहुत बार बोल चुका हूँ, अगर 15% के ऊपर अगर आपको रिटर्न मिल रहा है तो सोचिए आप अच्छे खासा स्टॉक चूज मतलब कर चुके हैं, एक अच्छा खासा स्टॉक लेकर बैठे हुए हैं। तो मेरे हिसाब से इस कंपनी के ऊपर फोकस रखिए, लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए फोकस रखेंगे तो अच्छा खासा लॉन्ग टर्म ही आपको फायदा मिल सकता है, क्योंकि कंपनी अराउंड देखा जाए तो जब से स्टार्ट हुआ था तब से कंपनी अराउंड अराउंड 19,500% का रिटर्न दिया। कोई छोटा मोटा रिटर्न नहीं है, 19,500 बहुत तगड़ा रिटर्न है। तो कंपनी के ऊपर भरोसा रखिए और कंपनी के ऊपर टिके रहिए। तो आशा करता हूँ सारा जानकारी आपको मिल चुका है। मेरे इस वीडियो को कैसा लगा जरूर कमेंट करना, और इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए। बाय बाय।